Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Monica and I'm back with yet another amazing kurta set haul video. आज का वीडियो बहुत बजट फ्रेंडली होने वाला है क्योंकि सारे कुर्ता सेट जितने भी मैंने परचेस किए हैं वो सभी अंडर ₹1000 है, तो बजट को लेके आज कोई इशू नहीं है. सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. सो द फर्स्ट कुर्ता सेट आई हैव विद मी इज दिस ब्यूटीफुल मरून कलर अमेजिंग सा चिकनकारी कुर्ता सेट. इतना ब्यूटीफुल सा कुर्ता सेट है, इसका स्वीट हार्ट नेक लाइन है, सामने की तरफ से इसे चिकनकारी के फ्लावर्स बने हुए हैं. बहुत ही सुंदर कुर्ता सेट है. हाथों के ऊपर भी इसी तरीके से थ्रेड का चिकनकारी का काम हो रखा है. बहुत हाथों पे और पूरे फ्रंट के अंदर ऐसे छोटे छोटे चिकनकारी के वाइट कलर के फ्लावर्स बने हुए हैं. नीचे की तरफ ऐसे बड़ी बड़ी सी बूटियाँ बनी हुई है. बहुत ही प्यारा पीस लग रहा है. इसका कलर जो है बहुत ही वाइब्रेंट सा और ब्यूटीफुल लग रहा है. स्क्रीन पे इसका कलर थोड़ा सा रेड लग रहा है, पर पर्सनली ये मरून कलर का कुर्ता सेट है. इसका फैब्रिक जो है रियॉन है, तो बहुत ही सॉफ्ट सा फैब्रिक है. बॉडी पे बहुत ही कंफर्टेबल फील कर रहा है. पहनने पे बहुत स्टाइलिश लगता है. चिकनकारी का कुर्ता सेट नॉर्मली सभी लड़कियों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं और मुझे लगता है ये पीस आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है. अगर इसके बॉटम वेयर की बात करें तो बॉटम वेयर के अंदर पूरा बॉटम वेयर प्लेन है, बट एंड के अंदर उसमें भी चिकनकारी का काम दे रखा है. जहाँ पे कुर्ता खत्म होएगा वहाँ नीचे की तरफ ऐसे चिकनकारी के फ्लावर्स बने हुए हैं. मरून और व्हाइट का ये कॉम्बिनेशन इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है. जो बॉटम वेयर का फैब्रिक है वो भी सेम कुर्ता वाला फैब्रिक रियॉन है, तो बॉटम वेयर भी जो है बहुत कंफर्टेबल है. मैं तो इसे खरीदना आपको ज़रूर कमेंट करूंगी. इतना ब्यूटीफुल पीस है, आपको एक बार इसे ज़रूर ट्राई करना चाहिए. सो द सेकंड कुर्ता सेट आई हैव विद मी इज दिस ब्लॉक प्रिंट कॉटन का कुर्ता सेट. वाइट और येलो का एक कॉम्बिनेशन इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है. येलो कलर के पूरे फ्लावर्स बने हुए हैं पूरे सूट के ऊपर. वी नेक का एक कुर्ता सेट है. पर्सनली मुझे वी नेक बहुत पसंद है. फिर राउंड शेप के जो कुर्ता सेट हैं कभी कभी वो बहुत बोरिंग लगते हैं, पर वी नेक थोड़ा सा स्टाइल ऐड करता है. बहुत ही सिंपल सा कुर्ता सेट है, पर सिंपलिसिटी के साथ जो ब्यूटीफुल ये कुर्ता लग रहा है ना. कुर्ते की जो लेंथ है वो काफ़ी अच्छी है, नीचे काफ़ी नीचे तक ये कुर्ता जा रहा है, जिसकी वजह से आपकी हाइट को बहुत अच्छा दिखाता है. कॉटन जो है वो सॉफ्ट वाला कॉटन है, बहुत ही कंफर्टेबल रहने वाला है गर्मियों के पहनने के लिए. आप गर्मियों की आउटिंग के लिए इसे आराम से पहन सकते हैं. नेक लाइन पे व्हाइट कलर की ऐसे पतली सी लेस लगी हुई है. इसका जो बॉटम वेयर है वो भी कॉटन का है. बॉटम वेयर पे भी उसी तरीके से फ्लावर्स बने हुए हैं येलो कलर के, और ग्रीन कलर की जो लीव्स बनी हुई है. येलो ग्रीन और व्हाइट का एक कॉम्बिनेशन इतना प्यारा लग रहा है, इतना कंफर्टेबल है. पैंट का जो अंदर है काफ़ी ज़्यादा थाइस के यहाँ पे फैब्रिक दे रखा है. थाइस पे बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं कर रहा है बॉटम वेयर. इसका जो इलास्टिक है वो भी बहुत कंफर्टेबल है, कमर पे बिल्कुल भी चुभ नहीं रहा है, तो इसका बॉटम वेयर भी बहुत कंफर्टेबल है. दुपट्टे का जो कॉटन है वो भी सॉफ्ट कॉटन है, तो दुपट्टे को संभालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है. पूरे दुपट्टे के भी ऊपर इसी तरीके से येलो कलर के फ्लावर्स बन रखे हैं. बहुत ही सुंदर दुपट्टा लग रहा है, और दुपट्टे के एंड के अंदर दोनों साइड्स पे इस तरीके से बड़े बड़े येलो कलर के फ्लावर्स बन रहे हैं. बहुत ही सुंदर दुपट्टा है, और पूरा सूट इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है पहनने में. गर्मियों के लिए एकदम परफेक्ट कुर्ता सेट है. आई थिंक आपको एक बार इसे ज़रूर ट्राई करना चाहिए. सो द नेक्स्ट कुर्ता सेट आई हैव विद मी इज दिस अमेजिंग अनियन पिंक कलर का चिकनकारी वर्क वाला कुर्ता सेट. बहुत ही खूबसूरत कुर्ता सेट है, पर आई एम लिटिल डिसअपॉइंटेड क्योंकि मैंने इसे साइज़ स्मॉल में ऑर्डर किया था और ये मुझे फिट नहीं आ रहा है. सो मैंने इसे साइज मीडियम में ऑर्डर किया है जो कुछ दिनों बाद डिलीवर होएगा, पर बहुत ही खूबसूरत कुर्ता सेट है. इसका जो चिकनकारी का काम है बहुत बारीक चिकनकारी हो रखी है. ऐसे ब्यूटीफुल पार्ट है इसका अनियन पिंक कलर. इतना सुंदर लग रहा है कलर सामने से कुर्ता के ऊपर, नीचे की तरफ से भी पूरे पे इस तरीके से काम हो रखा है. बहुत ही सुंदर कुर्ता है, ऊपर से लेके नीचे तक कंप्लीट चिकनकारी का काम दे रखा है. हेम के ऊपर जो फ्लावर्स बने हुए हैं इतने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, और इधर एंड में भी तीनों साइड से इतना सुंदर सा चिकनकारी का काम दे रखा है. कुर्ते का जो फैब्रिक है वो रियॉन है. बहुत ही सॉफ्ट सा फैब्रिक है, बहुत ही कंफर्टेबल रहने वाला है गर्मियों के लिए. कुर्ते का फैब्रिक रियॉन है, पर जो पैंट है वो कॉटन ब्लेंड की पैंट है. वाइट कलर की ये पैंट है, और पैंट के एंड के अंदर ऐसे कुर्ते के मैचिंग का ऐसे अनियन पिंक कलर का काम दे रखा है, और बॉटम वेयर के एंड में भी चिकनकारी का काम दे रखा है. बॉटम वेयर भी जो है बहुत कंफर्टेबल है. इसका जो दुपट्टा है दुपट्टे के अंदर चारों तरफ ऐसे सिल्क की अनियन पिंक कलर की लेस लगी हुई है जो कुर्ते से मैचिंग की है. बहुत ही ब्यूटीफुल सा दुपट्टा है. पूरे दुपट्टे के ऊपर इस तरीके से पिंक कलर के फ्लावर्स बन रहे हैं. पूरा कुर्ता सेट सामने से देखने पे बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है. सो द नेक्स्ट कुर्ता सेट आई हैव विद मी इज माय एब्सोल्यूट फेवरेट फ्रॉम दिस हॉल. मरून कलर का इतना ब्यूटीफुल सा कुर्ता सेट है. जो इसकी स्लीव्स हैं वो इसका सबसे ऑसम पार्ट है. फ्लेयर स्लीव्स हैं. स्लीव्स के ऊपर ऐसे थ्रेड और मिरर वर्क हो रखा है. मिरर जो है वो रियल मिरर नहीं है, उस वजह से कपड़ा जो है काफ़ी हल्का है, बिल्कुल भी हैवी नहीं हो रहा है. इतना कंफर्टेबल ये कुर्ता सेट है. गले पे भी उसी तरीके से थ्रेड और मिरर का काम हो रखा है. कुर्ते के दोनों किनारों पे इस तरीके से व्हाइट कलर की लेस लग रही है कि किसी भी फंक्शन को अटेंड करने के लिए कुर्ता सेट इतना ज़्यादा परफेक्ट है, क्योंकि इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। हैवी नहीं है, इसका जो फैब्रिक है वो विस्कोसी रियॉन है, इतना कम्फर्टेबल, इतना सॉफ्ट सा फैब्रिक है, बिल्कुल रेगुलर टाइप का कुर्ता सेट नहीं है, इतना स्टाइलिश कुर्ता सेट है कि आप स्टैंड आउट करने ही वाले हैं। इनके एंड में ऐसे एक पर्ल डैंगल कर रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल कुर्ता सेट है। आई थिंक आपको एक बार इसे ज़रूर ट्राई करना चाहिए। इसके बॉटम वेयर का जो फैब्रिक है वो भी रेयॉन है, तो बॉटम वेयर भी बहुत ही कंफर्टेबल है। बॉटम वेयर जो है वो चारों तरफ से इलास्टिकेटेड है, इलास्टिक जो है बहुत कंफर्टेबल है, आराम से आप इसको किसी भी गर्मियों के फंक्शन में पहन सकते हैं। सो द नेक्स्ट कुर्ता सेट आई हैव विद मी इज़ माई लीस्ट फेवरेट फ्रॉम दिस वीडियो एक्चुअली। इस कुर्ता सेट का जो कुर्ता है वो जॉर्जेट के कपड़े का बना हुआ कुर्ता है और उस पर भी चिकनकारी और मिरर का काम हो रखा है। मिरर जो है वो रियल मिरर्स हैं। सामने से यूँ देखने पे तो ये कुर्ता बहुत सुंदर लग रहा है, पर प्रॉब्लम ये इस कुर्ते के साथ कि इसके जो मिरर हैं उनकी फिनिशिंग बिल्कुल अच्छी नहीं है। पहनते भी ये चुभ रहा है, ऐसे लग रहा है कि आपको चोट ना लग जाए। ऐसे देखने पे तो ये कुर्ता सेट बहुत सुंदर लग रहा है, क्योंकि ऐसे ब्लिंकी सा बहुत ही अमेजिंग सा कुर्ता सेट लग रहा है। मैंने जब इसके रिव्यू पढ़े थे तो बहुत ही अमेजिंग रिव्यू डले हुए थे मीशो पे। इसके ऊपर जो मिरर लगा हुआ है वो सब रियल मिरर है। जब मैंने इसका पैकेट रिसीव किया था तो पैकेट के अंदर बहुत सारे मिरर ऑलरेडी झड़े हुए थे, तो जब आप इसे धोएंगे और पहनेंगे तो इसके मिरर बार बार झड़ जाने वाले हैं। क्योंकि कुर्ता ट्रांसपेरेंट है तो कुर्ते के साथ में इन लोगों ने एक शमीज भी दी है। इसका जो बॉटम वेयर है उसका कॉटन भी जो है बहुत ही स्टिफ सा है, तो मुझे तो बॉटम वेयर भी बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। बॉटम वेयर के एंड के अंदर भी उसी तरीके से मिरर वर्क दे रखा है और बीच बीच में से बॉटम वेयर के अंदर भी मिरर गायब है। ऐसे थ्रेड का काम इस पर भी हो रखा है। दूर से देखने पे कुर्ता सेट बहुत ही सुंदर लग रहा है। कुर्ता सेट का जो दुपट्टा है वो शिफॉन का दुपट्टा है। दुपट्टे के ऊपर ऐसे बीच बीच में उस पर भी रियल मिरर लगे हुए हैं। दुपट्टा के एंड में ऐसे मिरर की पूरी लाइन लगा रखी है जो बीच बीच में से गायब है। बिल्कुल भी फिनिशिंग से इस कुर्ता सेट में काम नहीं हो रखा है। दुपट्टा के दोनों साइड के एंड में से व्हाइट लेस लगी। दूर से देखने पे तो एक डिसेंट कुर्ता सेट लगता है, पर पर्सनली मैं तो इसे बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगी। सो द नेक्स्ट कुर्ता सेट इज़ द वन आई एम ऑलरेडी वेयरिंग। बहुत ही सुंदर सा कुर्ता सेट है। वी नेक है इस कुर्ता सेट का। गले के ऊपर ऐसे जरी का काम हो रखा है, बीच बीच में सीक्वेंस लगे हुए हैं। ग्रे कलर का एक कुर्ता सेट है और उसके ऊपर डार्क ग्रेइश और ऐसे मिक्स से कलर का काम हो रखा है। सामने से बहुत ही सुंदर ये कुर्ता लग रहा है। बाकी पूरा गले के अलावा ये कुर्ता प्लेन है। कुर्ते के अंदर ऐसे लाइनिंग लगी हुई है। लाइनिंग का जो फैब्रिक है वो हल्का है, बट ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ट्रांसपेरेंसी का इशू नहीं हो रहा है। बहुत ही कंफर्टेबल कुर्ता है। इस कुर्ता सेट का दुपट्टा भी बहुत ब्यूटीफुल है। ऐसे कटवर्क वाला इसका दुपट्टा है। दुपट्टे के ऊपर भी दोनों साइड पे ऐसे जरी के फ्लावर्स बन रहे हैं जो बहुत सुंदर लग रहे हैं। सामने से गर्मियों में अगर आपको कोई शादी अटेंड करनी है तो ये बहुत ही परफेक्ट पीस रहने वाला है। इसका फैब्रिक जो है बहुत ही कंफर्टेबल है, गर्मियों में कोई प्रॉब्लम नहीं करने वाला है। बहुत ही सुंदर सा पीस लगता है सामने से पहनने पे, इतना क्लासी। और 1000 रुपीज़ के अंदर मेरे हिसाब से तो ये स्टील डील है, क्योंकि इतना कंफर्टेबल और इतना सुंदर सा पीस है। इसका जो बॉटम वेयर है वो विस्कोसी रेयॉन का है, तो बॉटम वेयर का जो फैब्रिक है वो भी कंफर्टेबल है। पूरा कुर्ता सेट सामने से बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है गाइस। सो द लास्ट कुर्ता सेट आई हैव विद मी इज़ दिस ब्यूटीफुल पिंक कलर का कुर्ता सेट। कॉटन का इसका कुर्ता है। वाइट कलर के ऐसे पूरे कुर्ता के ऊपर फ्लावर्स बने हुए हैं और सामने की तरफ से ऐसे थ्रेड वर्क हो रखा है पूरे कुर्ता पे। इतना सुंदर लग रहा है ये कुर्ता पहनने पे। कुर्ता के अंदर ऐसे फ्रंट के अंदर 3 बटन दे रखे हैं मैचिंग के। बहुत ही प्यारा सा पीस है। 550 रुपये के अंदर इस तरीके का कुर्ता सेट मिलना अनबिलीवेबल। इतना कंफर्टेबल इसका कपड़ा, इतना ब्यूटीफुल सा कुर्ता सेट। पूरा थ्रेड वर्क हो रखा है, इतने बड़े बड़े सुंदर से फ्लावर्स बन रखे हैं थ्रेड के। इतना खूबसूरत सा ये कुर्ता सेट है। फैब्रिक जो है बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। कॉटन जो है इसका बहुत ही सॉफ्ट सा कॉटन है। गर्मी के अंदर इतना कंफर्टेबल रहने वाला है। 550 रुपये के अंदर इतना ब्यूटीफुल सा कुर्ता सेट मिलना बहुत ही खूबसूरत कुर्ता सेट है। इतना सुंदर सा इसका कलर है। इसका जो थ्रेड वर्क है इतना ज़्यादा सुंदर है कि मैं तो इस कुर्ता सेट को पक्का अपने पास रखने वाली हूँ, और मुझे लगता है आप लोगों को भी इसे एक ट्राई ज़रूर देना चाहिए। इसका बॉटम वेयर जो है वो प्लेन ऐसे वाइट और क्रीम से कलर का ऐसा बॉटम वेयर है। बॉटम वेयर के एंड के अंदर ऐसे व्हाइट कलर की लेस लगी हुई है। तो बॉटम वेयर का जो फैब्रिक है वो रेयॉन है। बहुत ही सॉफ्ट सा, बहुत ही कंफर्टेबल सा पीस है ये। मुझे लगता है आपको इसे एक ट्राई ज़रूर देना चाहिए। So that's it for today's video. I hope you guys like the video. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और कौन सा पीस आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया प्लीज़ कॉमेंट डाउन बिलो, एंड आई विल मीट यू गाइज वेरी वेरी सून। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।